तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी आएगी बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोनेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूं तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास लीला राम लीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सके तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकौन और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पदमावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे, उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास राम लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मवत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकौन और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पदमावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है कि बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जेनर पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास राम लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगू बाई ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजोन प्राइम वीडियो पर वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका कौन और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पदमावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी आएगी बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास राम लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ, साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है कि बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूं तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफी सारी मूवीज दी गुजारिश गोलियों की रास लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते वेल well, तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है आएगी बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोनेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ-साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रासलीला रामलीला उसी के साथ-साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं वेल तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूज़िकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास रामलीला राम उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सके वेल well, तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ, साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है आएगी बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोनेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सके well, तो अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जेनर पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोनेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम, देवदास, ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास लीला, लीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकौन और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी आएगी बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जेनर पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूं तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास राम लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगू काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकौन और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम मेरे हिसाब से तो बहुत ही रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूं तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में काफी सारी मूवीज दी गुजारिश गोलियों की रास राम लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग

ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मींस 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी आए कि बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास लीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहां पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सके तो अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी आएगी बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जेनर पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोनेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूं तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास रामलीला राम उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सके वेल well, तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोनेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूं तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास राम लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सके तो अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकौन और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास लीला राम लीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सके वेल तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जेनर पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मवत और गंगू बाई ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते वेल well, तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकौन और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है के साथ, साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूं तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास राम लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ तो हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूं तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास रामलीला राम उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काथियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग

ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकौन और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मींस 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे, उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी आएगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जेनर पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोनेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ-साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रासलीला रामलीला उसी के साथ-साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सके वेल तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पदमावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी आए बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जेनर पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोनेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूं तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास राम लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सके वेल well, तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पदमावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों लो को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोनेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूं तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास राम लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सके तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जेनर पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोनेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास राम लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पदमावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम डन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास राम लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगू बाई ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकौन और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पदमावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास राम लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई बाई ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते well, तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकौन और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी टिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे, उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जैनल पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा, होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूँ तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते well, तो जी अगर आप लोग भी शाहिद कपूर दीपिका पादुकौन और रणवीर सिंह के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं एक एग्जैक्टली exactly सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं की इन तीनों की ही एक कंबाइंड मूवी है जिनमें इन तीनों ने लीड रोल्स प्ले किए हैं तो यहाँ पर हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कौन सी मूवी होगी जो कि इन तीनों ने जहाँ पर रोल जो है वो मेन और लीड रोल प्ले किया हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी साल बहुत ही एक अच्छे साल मीन्स 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पद्मावत के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्मावत के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की लीड रोल्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेंगे मींस एज अ लीड एक्टर्स हमें कौन देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस कौन है और विलन कौन है ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्टारिंग की तो दीपिका पादुकौन शाहिद कपूर उसी के साथ साथ रणवीर सिंह और अदिति राव हैदरी आप लोगों को इस मूवी की जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो हाँ आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो 7.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 84 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी और बहुत अच्छी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एंड इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी आएगी बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम जेनर पर बात करें कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी ड्रामा देखने को मिलेगा रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोनेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आजकल के दौर के चलते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी बता देता हूं तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी संजय लीला भंसाली ने जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक खामोशी द म्यूजिकल उसी के साथ साथ हम दिल दे चुके सनम देवदास ब्लैक सावरिया गुजारिश गोलियों की रास राम लीला रामलीला उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी ये सारी मूवीज इन्होंने ही बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी बेसिकली कहां पर हमें देखने को मिलेगी तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की वो भी काफी अच्छे से हैंडल की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है सुदीप चैटर्जी ने जो कि संभाली है एडिटिंग को राजेश जी पांडे ने संभाला तो ये सारा कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है तो आप लोग एक एक चांस डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते